स्वर्गीय सतनाम सिंह बाजवा सेवा भावना लबरेज शख्सियत ते अपनियां दी मदद लई दिन रात हाजिर रहना, इना खूबियां करके ही अज भी कादियां हलके विच इना दा नाम बड़े ही सत्कार नाल लिया जांदा है। एक बार सतनाम सिंह जी उस समय दे सीएम प्रताप सिंह कैरों दे नाल अपने हलके च पेंदे पैनी मियां खान दा दौरा कर रहे सन ते लोकां ने कहा कि सानू कुछ नहीं चाहिदा, तुसी जून जुलाई दे महीने च आउणा। फिर सतनाम सिंह जी प्रताप सिंह कैरों दे नाल जून जुलाई दे महीने च दौरे ते गए। उन्होंने देखिया कि दूर दूर तक पिंड हड़ च डुबे हुए ने। सतनाम सिंह ते प्रताप सिंह कैरों दोवां लई घोड़े मंगवाए गए ताकि वह हल्के का दौरा कर सकन। फिर पिंडां दे लोकां ने उन्हां नूं दस्या कि हर साल उन्हां दे घर बार ते उन्हां दियां फसलां हड़ विच रुड़ जांदियां ने। सतनाम सिंह जी ने इस मुश्किल दा हल करन दा सोचिया ते सिर्फ 5-6 महीनियां विच ही तुसी बंद नूं बनवा के लोकां दियां मुश्किलां दा हल कर दित्ता। ताही ते अज भी इना दे हलके दे लोक इना नूं रब वांग पुजदे ने। निमरता, दलेरी अते अपनियां दी सेवा लई हमेशा अग्गे रहण दे लई इना नूं नाम दित्ता गया शेरे पंजाब। स्वर्गीय सरदार सतनाम सिंह जी दे पद चिन्हां ते तुरदे होए अते उन्हां दे सिद्धांतां नूं अपना के उन्हां दे सुपुत्तर सरदार प्रताप सिंह बाजवा ने पूरे हलके दे लोकां दी जिंदगी च सुधार लियाउण दी सोच नूं अपनाया ते इस सोच च इन्हां दा साथ दित्ता ते इन्हां ते विश्वास कीता कादियां हलके दे लोकां ने, ते भारी वोटां दे नाल इन्हां नूं जिता के MLA बना के इन्हां दे हथ अपने हलके दी कमान सौंपी। PWD मिनिस्टर बनते ही इन्हां ने अपने पिता सरदार सतनाम सिंह जी वालों बनवाए गए तुसी बंद दे उत्ते रोड बनवा के पिंडां दे आपस दे सफर नूं आसान बना दिता। इन्ना ही नहीं, पूरे हलके विच इन्हां ने सड़कां दा जाल बिछा के लोकां दे नाल नाल पिंडां ते बहुत सारे दूजे इलाकियां नूं आपस च जोड़िया। इन्हां ने कई इदां दे इलाकियां च सड़कां दा निर्माण कारज करवाया जिथे आजादी तों बाद तक कदी सड़क बनी ही नहीं सी। स्वर्गीय सतनाम सिंह बाजवा दे वांगू ही सरदार प्रताप सिंह बाजवा दा किसानां दे नाल शुरू तों ही गूढ़ा लगाव रहा है। किसानां दे लई मंडी बनवानी होवे, किसानां दी सहूलत लई अलग अलग पिंडां नूं नाल दे शहरां दे नाल जोड़न लई सड़कां ते पुलां दा निर्माण करवाउणा, इह हमेशा ही अपने हलके दे अन्नदातियां दी सेवा दे लई ते उन्हां नूं सहूलतां प्रदान करन लई समर्पित रहे ने। इन्हां दे हलके च गन्ने दी पैदावार बहुत सी, पर गन्ना किसानां नूं दूजे हलकियां दी गन्ना मिलां दे विच गन्ना लै के जाना पैंदा सी, जिस दा हल मुकेरियां ते केड़ी जिथे गन्ना मिल्स दी उसारी करवा के कीता। किसानां प्रति इन्हां दे लगाव दा अंदाजा इस गल तों लगाया जा सकदा है जदों हाल ही दे विच गन्ना किसानां दे मोढे नाल मोढा जोड़ के एक खड़े होए ते 50 रुपये प्रति क्विंटल तक रेट विच वाधा करवाया। इन्ना ही नहीं, सरदार प्रताप सिंह बाजवा ने गन्ना किसानां लई लिया मजबूत स्टैंड ते सरकार वालों गन्ना किसानां दी 350 करोड़ दी बकाया रकम दे भुगतान लई कई बार अर्जियां लगाईयां ते लगातार करदे रहे अंथक प्रयास। सरदार प्रताप सिंह बाजवा हमेशा तो ही किसानां दी भलाई लई किसानी हक्कां दे लई सब तो मोहरे रहे हन, जिस दा प्रमाण है राज्य सभा दे विच काले कानूनां दे लई किसानां दी सुनवाई ना होण तो बाद रूल बुक नूं वगा के मारना। जदों 20 सितंबर नूं इसे ही हाउस दे विच एक कानून नूं पास करन दी जिहड़े एग्रीकल्चर दे साडे बिल है ने उन्हां नूं पास करन दे इत्थे बहस चल रही सी। मैनूं माण है मेरी पार्टी इंडियन नैशनल कांग्रेस ने मैनूं मौका दिता एज ए लीड स्पीकर गल करन दा,
मैं उस टाइम भी यह गल का जिक्र किया सी कि जेडे बिल ने यह किसानों के डैथ के वारंट्स ने ते कोई भी जेड़ा हिंदुस्तान च रहन वाला मेरा वीर है वह किसानों के डैथ वारंटा ते दस्तखत नहीं करेगा। राज्यसभा दे विच तिन्ने काले कानूनां दे विरोध च केंद्र सरकार दी हिक ठोक के नखेदी करन दे विच सरदार प्रताप सिंह बाजवा सब तो अव्वल सन। आज जिन्ने किसान यूनियंस बैठी है किसे लीडर दे कहन ते लोक नहीं आए, ये जन अंदोलन है। हर घर दे विच अपने आप लोगों ने अपने ट्रैक्टरों विच डीजल पाया, हर पंजाब दे किसान ने फी एकड़ 500 रुपया इकट्ठा करके ये सारे किसान यूनियन दे लीडर्स नूं दिता। मैनू अफसोस रहा सब च कहना पैंदा मनोज जी, 1971 दे विच बंगलादेश की लड़ाई दे विच असीं 93,000 पाकिस्तानियों नूं एज वॉर प्रिजनर्स लिया सी। 2 साल असीं उन्हां नूं रोटी भी दित्ती, पानी भी दिता, बैडिंग भी दित्ती, लॉजिंग भी दित्ती। अज असीं अपने किसान वीरां नूं बिजली कट दी, अज असी इंटरनेट कट दिता, असी अज उन्हां तों पानी कट दिता, असी उत्थे तवारा बार्ड वायरस ऐ लगा दित्तियां जिस तरह 1960 दे विच बर्लिन वॉर बनाई जा रही है, एक वॉर प्रिजन बनाया जा रहा। अफसोस ना कहना पैंदा है, दुनिया की सारे वड्डी डेमोक्रेसी है, ये चीज़ां अफगानिस्तान विच वेखियां सी, ये चीज़ां इराक दे विच सदाम हुसैन दे वेले वेखियां सी, ये लिबिया दे विच कर्नल गदाफी वेले वेखियां सी, ये युगांडा दे विच इद्दी मीन वेले वेखियां सी, ये महात्मा गांधी दे देश च कदी किसे ने सपने विच वी नहीं वेखियां जो साडे किसान वीरां नाल हो रहा। सरदार प्रताप सिंह बाजवा ने केंद्र सरकार नू तिन्ने काले कानूनां दे लई ना सिर्फ लांता पाईयां बल्कि उन्हां नू ललकारिया भी, उन्हां दे मोहरे खड़े हो के किसानां लई सवाल पुछे। लाल किले दे उत्ते जो कुछ होया 26 जनवरी नू सानू बड़ा अफसोस, सानू बड़ा दुख है। एज ए पंजाबी, एज ए सिख, आई कंडेम दैट होल इंसीडेंट व्हाट हैपेंड। सानू तुसी नैशनैलिटी ना सिखाओ, नैशनलिज्म साडा हर एक बच्चा हर महीने नैशनल फ्लैग में लिपट कर हर महीने पंजाब और हरियाणा का आता है। आप हमें नैशनलिज्म सिखाएंगे भाई? आप उनको खालिस्तानी कह रहे हो जो लाल किले की, क्योंकि बहुत सारे लोग हिस्ट्री नहीं जानते, हमारे 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर महाराज, गुरु तेग बहादुर जी ने किसके लिए शहादत दी थी? उन्होंने शहादत दी कश्मीरी ब्राह्मण्स के लिए। अपने हलके दे लई विकास दी सोच ते हलका वासियां दे लई अथाह प्यार नू देखदे होए हाई कमान ने सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी नू लगभग 15 साल बाद मुड़ सेंट्रल पॉलिटिक्स तों कादियां हलके दे विकास ते इत्थे दे लोकां दी सेवा लई भेजे आए। कादियां दा बदलीए दौर, लाओ पंजे दे निशान ते मोर।